गाइस आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, बिल्कुल आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मीडिया पे आना है और आपने जो फोटो क्लिक कर रखे है 5-7, उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट 4 से 5 फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सकते फोटो हमारा कुछ इस तरह से है और यहाँ पे देख भी सकते हैं जो फोटो मैंने सेलेक्ट किया हूँ कुछ इस तरह से हल्का छोटा बड़ा हो रहा है। फोटो क्लिक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको 0.1 के आसपास, सॉरी 1.0 के आसपास आपको इस फोटो को रहने देना है। तो सारा फोटो को कुछ इस तरह से आपको कम कर लेना है क्योंकि लेंथ इसका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। तो मैं इस लेंथ को सबसे पहले कम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग सारे वीडियो के लेंथ को मैंने कम कर चुका था, यानी कि आपको 1 सेकेंड तक आसपास रहने देना है, यानी कि वीडियो जो आपको 5 से 6 सेकेंड तक हो जाएंगे। इसके बाद हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आप फीट हो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। यदि आप चाह रहे जो फोटो जो आप देख सकते हैं हल्का हल्का हिल रहा है, यदि आप हिलना नहीं चाहते हैं, फोटो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से यहाँ से दोनों फिंगर से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपको इक्वल कर देना है। आप देख सकते हैं फोटो जो आपको फर्स्ट वाले नहीं हिल रहा है, यानी कि छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। इस तरह से आप चाहे तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं फटाफट अपने हिसाब से फोटो को एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैंने एडजस्ट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि क्या करना है, इस फोटो के बीच में जो आपको व्हाइट कलर का, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट ऐड करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको 2D शिफ्ट के आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको गेट मोड से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो सारे में आपको इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो मैं सेकेंड में कुछ इस फर्स्ट में कुछ इस तरह से यूज किया हूँ, सेकेंड में कुछ इस तरह से यूज किया हूँ, थर्ड में मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। फंड ट्रांजेक्शन के में भी आएंगे तो बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सॉरी, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं आपका इमेज कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। फोटो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सबको आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, यानी कि 1 बाय 1 करके सारे फोटो को आपको एडजस्ट कर लेना है जो देखने में सारे थोड़ा बढ़िया लगेंगे। चलो मैं फटाफट इसे मैं इनेबल कर लेता हूँ। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, इफेक्ट पे आना है, इसके बाद बेसिक इफेक्ट पे आना है और इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस इफेक्ट पे सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग पे आना है और यहाँ पे आपको 4 से 5 एडजस्ट करना है, यानी कि 4 रहने देता हूँ। इसके बाद आपको फुल स्क्रीन पे कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा ब्लर को मैं जो ब्लर जो किया था इसे मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ या फिर रहने देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्रोमा की को निकालना है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका देख सकते हैं क्रोमा के ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आईडी फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं एक्सपोर्ट होने का। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में जितने भी मैं ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहा हूँ सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और फाइनली वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद हम बैक करते हैं, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसे आपको सेलेक्ट है। और इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर सकते हैं। जो वीडियो जो आपने सेलेक्ट किया था, मैंने जो एक्सपोर्ट किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी, यानी कि 6 सेकंड से 7 सेकंड के आसपास है, लेकिन इसके बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्रोमा की को आपको इनेबल करना है, सिंपल कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। कलर की पे आकर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 से 4 फोटो को सेलेक्ट करना होगा, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपके पास जो फोटो अवेलेबल है उस फोटो को आपको 1 बाय 1 कर कर सेलेक्ट करना है। फोटो को कुछ इस तरह से रोटेट करना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। और कुछ इस तरह से मैं जूम कर लेता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर लेना है। फाइनली प्ले करूँगा तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 3 से 4 फोटो को आपको एडजस्ट करते हैं, जैसे कि नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको सेकेंड फोटो को आपको लगा लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ,
और यहाँ पे मैं सेकेंड फोटो ऐड कर लेता हूँ, तो आप बिल्कुल आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं किसी भी फोटो को एडजस्ट करके मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से एडजस्ट करना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू, फिर से मैं इसे राइट कर देता हूँ। फाइनली जब मैं वीडियो प्ले करूँगा तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मेरा वीडियो लगभग एडिट हो चुका है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद फिर से वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आना है, ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन कर देना है। या फिर सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं मल्टीप्ले में सेलेक्ट कर देता हूँ, मल्टीप्ले नहीं एडजस्ट हो रहा है, स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो एडिट हो चुका है। यदि साउंड ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट आइडियो पे क्लिक करने हैं, और जो भी साउंड ऐड करना चाह रहे हैं बिल्कुल आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले आपको इस वीडियो में जितने भी साउंड ऐड है ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट करना है। म्यूट कैसे करना है, सिंपल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सॉरी वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वन बाय वन कर सारे को म्यूट कर देना है। इस तरह से यानी कि जीरो भी कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाकर रोपोसो या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आने के चांसेस है।